नमस्कार, खबर पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलवर के बहरोड पंचायती राज विकेंद्रीय प्रशिक्षण अभियान 2016-17 के तहत 13 जुलाई से 15 जुलाई तक बहरोड पंचायत समिति सभागार में होने वाले कार्यक्रम का बहरोड के सभी सरपंचों ने बहिष्कार किया। सरपंच संघ अध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने बताया कि सरकार ने 2016-17 की कार्य योजना बनाने के लिए दोबारा से ग्राम सभाएं लगाने के लिए आज कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अप्रैल से लेकर जुलाई तक कोई भी निर्माण कार्य और सफाई यहां पर नहीं हो रही और आज दोबारा से ग्राम सभा में अनुबोधन कर कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो वो कभी सफल नहीं होगी। साथ ही कहा कि सरकार ने उलझने पैदा कर रखी है। सिरोही के पिंटवाड़ा में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक भारजा गांव के शादी समारोह में भाग लेने गया था। भरतपुर के बयाना में बसों में जमकर धूम्रपान हो रहा है। अन्य यात्रियों के मना करने पर विवाद होता है। पुलिस प्रशासन इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भरतपुर के कामों में पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन के साथ अवैध रॉयल्टी वसूली का काम धड़ल्ले से चल रहा है। विभागीय अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हैं। टोंक के निवाई में चनानी व सचिया में स्कूल बैग वितरित किए गए। आंध्रा बैंक की ओर से ये वितरण कार्यक्रम किया गया। 10 पंखे, 10 दीवार, घड़ियां भी वितरित की गई। भामाशाहों की मदद से स्कूलों में विकास कार्य हो रहे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में गांवों को जोड़ने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सागर से भिलाणी, डागरी, लखमणा सहित कई गांवों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू के बड़ा गांव में बिना लाइसेंस के हथकर शराब बेचते एक जने को गिरफ्तार किया गया। गुड़ा पुलिस ने ग्राम मैनपुरा के हिरवाला से 5 लीटर हथकर शराब के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर में शहर के साथ आसपास के इलाकों में बारिश में सड़कों और नालों पर पानी भर जाता है। सफाई नहीं होने से नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहती हुई नजर आती है। भरतपुर के नदबई में निजी मैरिज होम में 3 दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन शुरू हुआ। सरपंच और ग्राम सचिव शामिल हुए। पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा भी अब आगे की जाएगी। अजमेर के नसीराबाद में बिजली के लटकते तारों ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। कई बार फॉल्ट के कारण चिंगारियां भी उड़ती है जिसके कारण हादसे की भी अंदेशा बनी रहती है। टोंक के मालपुरा में प्राइवेट स्कूलों को सरकारी स्कूल पछाड़ रही है। अब बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करने लगे हैं। आलम यह है कि अब कक्षाएं कम पड़ने लगी है। झालावाड़ के चाला पैटर्न में जगन्नाथपुरी गांव में मकान में घुसकर महिला से ज्यादती का प्रयास करने के मामले में महिला थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। घटना गत 22 जून की बताई जा रही है। भरतपुर के रूपास में उपखंड मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत शकरपुर के गांव पांचोरी के सरकारी स्कूल को जाने वाले रास्ते में भरे पानी कीचड़ से आमजन परेशान है। झालावाड़ के डक में सांप के काटने से बालक की मौत हो गई। बकरी चराते समय हादसा हुआ। उपचार के दौरान डक चिकित्सालय में दम तोड़ा। झालावाड़ के खानपुर में सीएम राज्य की बजट घोषणा कारगर होगी। दरा उर्निया प्रस्तावित हाईवे सड़क निर्माण 130 करोड़ की लागत से होगा। 76 किलोमीटर सड़क पर पीपीपी मोड से इंटरमीडिएट निर्माण होगा। बीकानेर के खाजवाला क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एएनएम और आशाओं को दस्त नियंत्रण और ORS का घोल का प्रशिक्षण दिया गया। चित्तौड़गढ़ की कपासन पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में सरपंच और ग्राम सचिवों का 3 दिवसीय आवासीय शिविर प्रदान की अध्यक्षता और BDO डॉक्टर कल्पना शर्मा के निर्देशन में शुरू हुआ। शिविर में प्रतिभागियों को पंचायती राज में नवाचार से अवगत करवाया गया। वही प्रोजेक्टर के माध्यम से भी जानकारी दी गई। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा जगह जगह करवाए जा रहे विकास कार्यों की बची हुई निर्माण सामग्री संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं हटाने से आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। अजमेर के भिनाय पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान अनु शर्मा की अध्यक्षता में हुई। उपखंड के सरपंचों ने पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। चूरू के सरदार शहर में गांव राजसर पवारान के ग्रामीणों ने जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर विद्युत समस्याओं के समाधान की मांग की। कम वोल्टेज से मोटरों को नुकसान हो रहा है। जोधपुर के ओसिया में एक व्यक्ति के घर से पशुओं की कुछ अंग हड्डियां मिलने के बाद बाजार बंद रहे और लोगों ने प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ की कपासन के सभागार में सुगम्य भारत अभियान 2016 का जोरदार आगाज हुआ जहां विकास अधिकारी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित सुगम्य भारत अभियान 2016 का जोरदार तरीके से आगाज किया गया। भीलवाड़ा के जाटपुर में शराबबंदी की मांग को लेकर महिलाएं सड़क पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन करते हुए किशनगढ़ खजूरी सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में नगरपालिका क्षेत्र में गैराज और टायर पंक्चर बनाने वालों ने अतिक्रमण कर लिया है जिससे नगरपालिका में पैदल आने वालों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है।
जयपुर के रेनवाल में पीने के पानी का संकट गहरा गया है और टैंकर बंद हो जाने से पानी की सप्लाई 72 घंटे से होने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक क्योनियारा कस्बे के कई वार्डों में अंधेरा व्याप्त है, कई गाड़ी के पोल से बिजली गुल रहती है, अंधेरे में लोगों का आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं आवारा पशु के टकरा जाने से लोग घायल हो रहे हैं। करौली के टोड़ा भीम पंचायत समिति के बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को होने वाली दिक्कतों से ना रोडवेज को चिंता है और ना ही स्थानीय प्रशासन को। बारा के अंत में बरसात के कारण कई कॉलोनियों की हालत खराब हो गई है, पानी की निकासी ना होने से लोगों को परेशानी हो रही है। झालावाड़ के चालापाटन में बारिश के पानी की वजह से BSNL सेवा बाधित है, टेलीफोन ब्रॉडबैंड सुविधा ठप हो गई है, बैंकों के सर्वर कनेक्टिविटी बंद होने से ग्राहक परेशान हैं और लेन देन में भारी परेशानी हो रही है। भिलवाड़ा के गुलाबपुरा में आगोचा पंचायत के भैरूखेड़ा ग्राम की सड़क जर्जर हो गई है, 2 सालों से क्षतिग्रस्त सड़क की सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। बारिश के मौसम के चलते दोपहिया वाहन चालक कीचड़ से फिसल कर गिर रहे हैं, सरपंच ने पैचवर्क के लिए विभाग को पत्र लिखा है, ग्रामीण परेशान हो गए हैं। चूरू के सालासर में वार्ड नंबर 6 में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, समय पर सफाई नहीं हो रही है, इससे मोहल्लेवासी परेशान हैं, संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सवाईमाधोपुर के खंडार में सीसी रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, ग्राम पंचायत खंडार का ये मामला है। बाड़मेर के कल्याणपुर में कस्बे के हाईवे नंबर 112 पर अतिक्रमण की वजह से ग्रामीण परेशान है, आए दिन हादसे हो रहे हैं, पुलिस और प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसके चलते अतिक्रमण का दायरा भी बढ़ रहा है। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में इंटरनेट सेवाएं 2 दिन के बाद बहाल हुई, आपको बता दें कि इंटरनेट नहीं होने से सरकारी विभागों की सेवाएं प्रभावित हो रही थी, अतिरिक्त भार से JTO अक्सर निर्धारित रहते थे। दौसा के सिखराय कस्बे में मौसम ने आज सुबह किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी, क्षेत्र में झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आ दी है, बारिश से खेत लबालब भर गए हैं, जिसके बाद किसानों ने बुआई भी शुरू कर दी है। भरतपुर के कामा कस्बे में अतिक्रमणों से रास्ते संकरे हो रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतें हो रही है, नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमियों पर कार्रवाई कर रास्तों को और सुगम बना सकता है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।